तो हाँ भाई, पीएसएल से एक मैसेज आया आया। क्या मैसेज आया? तो मेरा इंटरव्यू हुआ मार्च में। मेरे को इतना जोर का सुसु लगे लगा तुम्हारे को क्या बात है? दो मेरे पास एक आइडिया सुनो। क्या हाल है ब्रो? रात के 2 बज रहे हैं और इंसान काम कर रहा हो और साथ में कॉफी ना हो तो इंसान जिंदा कैसे रहे, ये मुझे समझ में तो नहीं आता। आपको आता है तो बता देना मुझे प्लीज, थैंक यू। खैर, जिस तरह के आप लोग को शायद पता हो या शायद ना पता हो कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कॉल्ड डियर पीएसएल 4, जिसमें मैंने कहा था कि मैं क्रिकेट का सुपर आशिक हूँ और भाई को बहुत पसंद है क्रिकेट, और अगर कोई पीएसएल टीम ये देख रही है तो प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे अपनी टीम के साथ फिट कर लो, भाई का ड्रीम पूरा हो जाएगा और ऐसी वीडियो बनेंगी ऐसी। और तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से उसमें नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स आया, मतलब भाई पागल हो गया। तो इस नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स के लिए चुप कर शुक्रन हबीबी। लेकिन इस नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स के अलावा एक चीज और हुई, छोटी चीज और हुई। मेरे काफ़ी दोस्त, इंक्लूडिंग माय इमीडिएट फ्रेंड्स एंड माय एक्सटेंडेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उन सब में से बहुत लोगों के पीएसएल में किसी ना किसी तरह के कॉन्टैक्ट्स निकले। किसी का कोई प्रोफेशनल रिलेशन था, कोई किसी का दोस्त था, किसी पीएसएल के मैनेजर के बेटे का, या कोई इस तरह का सीन निकलता रहा तो उनके पास काफ़ी कॉन्टैक्ट्स निकले। और मुझे मेरे दोस्तों ने अप्रोच करना शुरू किया कि ब्रो तुम इससे बात करो, ये बंदा तुम्हारा काम हो सकता है, ये इस टीम का ये है, ये इस टीम का वो है। तो भाई एकदम से खुश हो गया कि यार, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कहानी इतनी जल्दी आगे बढ़ेगी। मतलब मैं आज, मेरे पास नंबर आ रहे हैं मेरे फ़ोन में। तो इस चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, जितने मेरे काम साइड पे चल रहे थे सबको बंद करके इस चक्कर में पड़ गया कि यार बस मैक्सिमम ट्राई करो, लोगों से बात करो, लोगों से मिलो, क्या कहते हैं, बताओ अपना आइडिया क्या, आपका ड्रीम क्या है, बात कन्वे करो। उसके अलावा सब कुछ साइड में। स्पेशली सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे साइड पे करनी पड़ी, जो थी एक वीडियो कंपटीशन। मैंने कुछ वीडियोस पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि यार एक वीडियो कंपटीशन होने वाला है, जो मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि होने वाला है और मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, उस पर मैं एक वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ, और अगर मैं जीत गया तो उसमें कोई इस तरह का सीन है कि आप कोई दुनिया में किसी और मुल्क में कुछ आपकी वीडियो स्क्रीन की जाएगी। तो कुछ इस तरह का सीन था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं उसमें एक्चुअली अप्लाई करूँ बिकॉज अच्छा हो सकता है सीन। लेकिन फिर जब ये पीएसएल की चीज़ बीच में आई है तो मैंने कहा भाई अब तो किसी और चीज़ को फुल अटेंशन दे ही नहीं सकत है, अब तो इसको ही करना है हमने फुल टाइम। और वैसे तो मेरी बात काफ़ी लोगों से हुई जो पीएसएल से ताल्लुक़, जिनका था भी जिनका नहीं भी था, लेकिन एक पर्टिकुलर बात जो मेरी हुई ना, एक कुछ नहीं करना तूने रिकॉर्ड किया, भले तुमने बीच में जूम करना हो इससे जूम करनी, ठीक है, ये हो गया, इस पे आवाज आ रही है। हाँ भाई क्या हाल है, मैं आ गया हूँ नवीद अनवर यहाँ पे टॉक पे, तैयार पे कैमरा सिखा रहा हूँ, कुछ तैयार ने मेरा व्लॉग बनाना है, ये व्लॉग में जा सकता है जो तुमने बोला, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ ना कैमरा, तो ये व्लॉग में आ रहा है। इफ आई हैव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, थोड़ी थोड़ी अंदर से घबराहट हो रही है क्योंकि भाई ने माइक जो है पकड़े, मैं बता रहा था अभी तैयब को मुझे माइक पकड़े हुए 14 साल हो गए। परफेक्ट डे टू गो आउट एंड गिव अ टॉक टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान हु इज गोना चेंज द वर्ल्ड टुमारो, नॉट वन डे, टुमारो, बिकॉज टुमारो इज मंडे, सो यू हैव टू डू, यू हैव टू नो व्हाट यू हैव टू डू ऑन मंडे, दैट्स द फर्स्ट लेसन ऑफ माई टॉक। बॉयज यहाँ सीन ऐसा है कि लोग प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के आए हैं और नवीद के पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, मेरे पास रॉ आया है, बस एक चीज़ है जो उनके पास शायद ना हो। So here to tell you more about what to do next, I'd like to invite Naveed. Dear Naveed, put your hands together. Kya baat hai? Thank you everyone. As the gentleman mentioned, my name is Naveed and I'm a full-time YouTuber. मेरी PSL की वीडियो और उसका रिस्पांस देखकर एक TCS की सब्सिडरी कंपनी ऑक्टारा ने इस साल डॉन एजुकेशनल एक्सपो पे मुझे टॉक देने के लिए इनवाइट किया। यू जस्ट हैव वन कैमरा एंड दैट्स इट, यू आर स्टोरी टेलर। जो लोग इधर बैठे हुए हैं वो नवीद की बातों को ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे नवीद कोई अपनी किसी वीडियो में उनसे बात कर रहा है, फुल लोग हुक्ड हैं और बड़ा गुड सीन है। स्ट्रगल फॉर 3 इयर्स एंड डू 100 काइंड्स एंड फेल 100 टेक्स्ट and then reach that point after 3 years
instead of doing this for 20 years. वैसे तो मेरी टॉक PSL से बिल्कुल अनरिलेटेड थी. आई मीन इट वॉज मोर अबाउट यूनिवर्सिटी, द चैलेंजेस यू फेस आफ्टर यूनिवर्सिटी एंड हाउ टू ओवरकम देम. लेकिन सच पूछे तो मुझे वहाँ पे काफ़ी नेक्स्ट लेवल मज़ा आया यार. वो सब तो ठीक है यार नवीद भाई, लेकिन फिर PSL वालों से मैसेज क्या आया? पॉइंट पे आओ यार. हाँ तो PSL से ये मैसेज आया. तुमसे कितनी मोहब्बत करूं। PSL ने मुझे बोला कि नवीद ये देखो, जानते हो ये कौन है? How do you feel after coming back to your home country? I like it. ये है तुम्हारा बचपन का चड्डी बड़ी उबैद, जो आज लंदन से काफी सालों बाद पाकिस्तान आया है. देख जो भी कर रहे है ना, अपनी रिस्क पे करना. काफी अरसे बाद तुम लोग सारे स्कूल के बॉयज इकट्ठे हुए हो. तुम लोग को याद है ना तुम लोग बचपन में कैसे थे? गाड़ी तेज चलाना बाप, मतलब हर वक्त अजीब फजूल हरकतें हो रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं, एक्सबॉक्स खेला जा रहा है. और आज तुम लोग कितना ग्रो कर गए हो. क्या तुमने प्लान किया था ये ग्रो करना, इस तरह ग्रो करना? How about a round of applause for Naveed? Naveed, you've never been a very confident public speaker. मतलब स्टेज के ऊपर आने के थॉट से ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती थी. लेकिन ये टॉक देने के बाद अब शायद कल उतनी ना हो. मतलब यू आर नाउ अ मोर कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर. इसके अलावा इस टॉक पे तुम्हारी काफी नेक्स्ट लेवल लोगों से मुलाकात भी हुई है, जिनसे तुमने लिटरली 2 मिनट में पता नहीं क्या क्या सीख लिया है. और तुम्हारे फैंस भी तो तुम्हारे साथ थे. ये सारी वो चीजें हैं जो तुमने पूरी जिंदगी कभी भी नहीं मांगी, और ना इनको पाने के लिए तुमने कोई बहुत स्ट्राइव किया है. जिंदगी में सब नेक्स्ट लेवल चीजें बगैर मांगे ही मिलती हैं. मतलब मेहनत करो, और जो चीज चाहिए उसके डायरेक्शन में ही मेहनत करो. लेकिन अगर एंगल थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो टेंशन मत लेना, पहुंच तुम तब भी जाओगे. टेंशन मत लेना. तो जहां मोस्ट प्रॉब्ली मैं PSL और तुम दी अदर नवीद इस साल शायद इकट्ठे ना हो पाए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम्हें करना गया है. जी हाँ, अब मुझे पता है कि मैंने क्या करना है. डायरेक्शन स्ट्रेट फॉर एवर, डायरेक्शन स्ट्रेट. बट अगर एंगल चेंज हो जाए जिंदगी का तो टेंशन नहीं ली, नो टेंशन. एंड इसी बात पे देखते हैं कि उस वीडियो कॉम्पिटिशन का क्या सीन है. तखलिया